बीजेपी से ठाकुरों की नाराजगी को भुनाने की हो रही है कोशिश। बीजेपी की मुश्किल में मौका तलाश रही है बीएसपी। क्या खेल बिगाड़ेगी मायावती की सोशल इंजीनियरिंग? मायावती ने लोकसभा चुनाव की लड़ाई को यूपी में बेहद दिलचस्प बना दिया है। बसपा ने बीजेपी की बी टीम के तमगे को दूर करने का पूरी तरह से मन बना लिया है। मायावती राजनीति की माहिर और पुरानी खिलाड़ी है। वो राजनीति में कब क्या करेंगी ये कोई नहीं जानता। इस बार के लोकसभा चुनाव में भी मायावती कुछ ऐसा ही करती नजर आ रही हैं, इसकी भनक ना विपक्ष को है और ना ही बीजेपी ने ऐसा कुछ सोचा होगा। पहले से कहा जाता रहा है कि ठाकुर और वैश्य समाज भाजपा के पक्के वोटर रहे हैं, लेकिन पश्चिम उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ ठाकुर बिरादरी के नेताओं में गुस्सा दिख रहा है। पार्टी ने इस बिरादरी के उम्मीदवारों को उम्मीद से कम टिकट दिए हैं, जिससे उनमें नाराजगी की खबर है। खबरें हैं कि गाजियाबाद से वीके सिंह का टिकट काटने के बाद क्षत्रियों में नाराजगी है। दरअसल बीजेपी ने साल 2009 में राजनाथ सिंह को गाजियाबाद सीट से आजमाया था और वे चुनाव जीत गए थे, जिसके बाद दो चुनावों से लगातार वीके सिंह चुनाव जीतते रहे। वहीं बीजेपी ने इस बार वीके सिंह का टिकट काटकर अतुल गर्ग को प्रत्याशी बनाया है। वहीं बीएसपी की ओर से पहले अंशय कालरा को प्रत्याशी बनाया गया था, लेकिन 72 घंटे के बाद ही प्रत्याशी बदल दिया गया और अब गाजियाबाद से नंदकिशोर पुंडीर बीएसपी की ओर से मैदान में हैं, जिनके लिए वोट मांगने गाजियाबाद पहुंची मायावती और जनसभा को वहां संबोधित भी किया। इस दौरान मायावती ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्षत्रिय समाज की दुखती रथ पर हाथ रखते हुए जातीय कार्ड खेला। इस दौरान उन्होंने दलितों, किसानों और मुस्लिमों के साथ मुख्य रूप से क्षत्रियों को साधने की कोशिश की। उनका सबसे ज्यादा जोर बीजेपी से नाराज बताए जा रहे क्षत्रिय समाज के लोगों को बसपा के पाले में करने पर रहा। इसी के साथ मायावती ने पश्चिम उत्तर प्रदेश में टिकट बंटवारे में भी बात कही। हर वर्ग की भागीदारी के जरिए अपनी सोशल इंजीनियरिंग को समझाने की भी उन्होंने कोशिश की। उन्होंने कहा कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में क्षत्रिय समाज के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं, लेकिन दुख की बात है कि बीजेपी और दूसरे दल जो अपने आप को क्षत्रियों का हिमायती कहते हैं, इस बार समाज के लोगों को टिकट नहीं दे रहे हैं। बीजेपी ने उनकी उपेक्षा की है, जबकि बसपा एक ऐसी पार्टी है जिसने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अन्य समाज के साथ क्षत्रिय समाज का भी आदर और सम्मान किया है। इससे पहले भी मायावती कह चुकी हैं कि क्षत्रिय समुदाय की उन महापंचायतों का समर्थन करती है जो उन पार्टियों का समर्थन करने की बात कर रही हैं जो ठाकुर उम्मीदवार उतार रही हैं। हालांकि बीजेपी का कहना है कि बीजेपी के खिलाफ ठाकुरों में कोई असंतोष की भावना नहीं है, ये सब विपक्षी पार्टियों का प्रोपोगंडा है जिनके पास इस चुनाव में कोई मुद्दा नहीं है। बीजेपी ने सरकार और संगठन में क्षत्रियों को सही प्रतिनिधित्व दिया है। गौतम बुद्ध नगर निर्वाचन क्षेत्र में करीब 4.5 लाख क्षत्रिय वोट हैं, जिन्हें साधने के लिए इस बार बीएसपी ने गौतम बुद्ध नगर से क्षत्रिय समाज के राजेंद्र सिंह सोलंकी पर दांव लगाया है, जबकि सपा ने गौतम बुद्ध नगर से गुर्जर उम्मीदवार डॉक्टर महेंद्र सिंह नागर और बीजेपी ने गौतम बुद्ध नगर से मौजूदा सांसद और पूर्व मंत्री महेश शर्मा को मैदान में उतारा है। बसपा 2007 में पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आई थी। उस वक्त पार्टी की सोशल इंजीनियरिंग की काफी चर्चा हुई थी। तब दलित, मुस्लिम और ओबीसी के साथ उसने ब्राह्मणों और क्षत्रियों को भी तवज्जो देकर एक नया प्रयोग किया था, जो सफल भी रहा। वहीं हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में बीएसपी ने 78 मुस्लिमों को टिकट दिया था, जबकि निकाय चुनाव में 11 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन बीएसपी देख चुकी है कि उसे इससे कोई फायदा नहीं हुआ, जिसके बाद पश्चिमी यूपी में बीएसपी ने ब्राह्मणों और क्षत्रियों पर दांव चला है, क्योंकि बीएसपी के कार्डर वोट बैंक के साथ ब्राह्मण और क्षत्रिय उम्मीदवारों का वोट अगर एकजुट हो गया तो कुछ भी हो सकता है। चलिए इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही लेटेस्ट न्यूज से अपडेटेड रहने के लिए आप जरूर देखते रहे श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।